हम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यमुनानगर के मॉल टाउन में 2 दिवसीय कैंप लगाया गया, जिसमें सोसाइटी द्वारा नए एवं पुराने वस्त्र एकत्रित किए गए। समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद ने बताया कि वह हर साल कैंप लगाते हैं, जिसमें जरूरतमंद के लिए वस्त्र एकत्रित करते हैं और बाद में शहर में सर्दी से जूझ रहे लोगों को गर्म कपड़े व कंबल वितरित किए जाते हैं, ताकि इन गर्म कपड़ों व वस्त्रों से वह ठंड से बच सके। हम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रिंस भास्कर ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वह इस कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लें। अगर किसी के पास पुराने गर्म कपड़े हैं जो वह नहीं इस्तेमाल करते, वह भी हमें शिविर में दे सकते हैं, ताकि किसी जरूरतमंद को वह गर्म कपड़े वितरित किए जा सके और वह ठंड से बच सके। इस मौके पर अनिल ठुकराल, रचित चंडले, शुभम दत्ता, नीरज शर्मा, गीता कपूर, उमा शर्मा, पूनम अग्रवाल, सावित्री, मोनिका, दिव्या, प्रेमलता, मीना देवी, प्रतिभा, शबनम, सोनिया, ऋतु आदि उपस्थित रहे। ये हम संस्था की ओर से बहुत अच्छा प्रयास है। हम संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो प्रिंस जी हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम लगती है। वो टाइम टू टाइम सेवा कार्य करते रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ जितना भी अपने पास से हो जाए और युवाओं को एक अच्छी दिशा देने का काम ये संस्था, हम संस्था कर रही है। मैं इनको साधुवाद देती हूँ। ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं। ये हर साल 2 दिन के लिए पहले वस्त्र एकत्र करते हैं, चाहे नए पुराने गर्म कपड़े जो भी हों। फिर इन्होंने ठाना हुआ है कि किसी को भी सर्दी में ठिठुरने नहीं देंगे। कोई अगर बेबस है, वो सर्दी के कपड़े नहीं खरीद पाता, तो ये लोग रात को गाड़ियां लेकर निकलते हैं और जो सड़क पर या वैसे, चाहे वो अनाज मंडी है या मंडियों में लेबर क्लास है, लेबर तबका है, जो भी सर्दी में ठिठुर रहा होता है उसका तन ढकते हैं। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, क्योंकि हम रोज सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि सर्दी की वजह से, कड़ाके की सर्दी से आज किसी की मौत हो गई या कोई बीमार पड़ गया। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देती हूँ कि ऐसे ही कार्य, पुण्य कार्य इनकी संस्था करती रहे। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।